आइए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर टू में कुछ ऐसा कह रखा है कि महेश रमेश और सुरेश जो पार्टनर हैं उनमें कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है, और जब उनका फर्स्ट ईयर हुआ पार्टनरशिप का बिजनेस का तो उनको ये प्रॉब्लम्स आई। क्या प्रॉब्लम्स आई? पॉइंट नंबर ए में कहा गया कि महेश वॉन्ट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड ऑन द पार्टनर्स कैपिटल, बट रमेश एंड सुरेश डज नॉट एग्री या डू नॉट एग्री। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनर्स भी एग्री नहीं कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर रमेश और सुरेश ठीक है, महेश गलत है। बी पॉइंट में कहा गया कि रमेश चाहता है कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाए या पार्टनर को सैलरी मिलनी चाहिए, बट महेश और सुरेश इस बात को एग्री नहीं कर रहे। तो डीड नहीं है और पार्टनर्स भी एग्री नहीं कर रहे, तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत कोई सैलरी नहीं दी जा सकती टू द पार्टनर्स। सी पॉइंट की बात करते हैं, महेश और रमेश कहते हैं चाहते हैं कि सुरेश को इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए जो कि फर्म ने उसको दिया है लोन, उस लोन पे इंटरेस्ट महेश को देना चाहिए टू द फर्म, सुरेश को सॉरी। महेश और रमेश ये चाहते हैं कि सुरेश उस लोन पे इंटरेस्ट दे जो फर्म ने उसको दिया है, मगर सुरेश यहाँ जो है एग्री नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनर अगर एग्री भी नहीं कर रहे हैं तो उस लोन पे जो फर्म ने पार्टनर को दिया है कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता, दैट्स व्हाई सुरेश कोई इंटरेस्ट नहीं देगा टू द फर्म। डी पॉइंट पे आते हैं, महेश और रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, इन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया है एज़ कम्पेयर टू तीसरा पार्टनर सुरेश है उसके मुकाबले, तो उन्होंने कहा कि प्रॉफिट्स को जो है कैपिटल के रेशियो में बांटना चाहिए, ठीक है। लेकिन सुरेश इस बात के लिए बिल्कुल एग्री नहीं हुआ। तो यहाँ पर सुरेश ठीक है क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो इक्वली किया जाता है अमंग द पार्टनर्स, दैट्स वाई किसी और रेशियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जो भी प्रॉफिट है चाहे पार्टनर ने कितना ही पैसा लगा रखा हो बिजनेस में, कम लगाया ज़्यादा लगाया डज नॉट मैटर, प्रॉफिट्स जो भी हैं वो सब में इक्वली बांट दिए जाएंगे। तीन पार्टनर हैं तो तीनों में 1:1:1 के रेशियो में प्रॉफिट को तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर टू का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह समझ में आया होगा मेरा। थैंक यू बच्चों।